नमस्कार भारतीय सुरागिला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। जाम के कारण डाक टावर को रास्ता न मिलने पर बदलना पड़ा मार्ग। जसपुर में लाखों रुपए की चोरी का हुआ खुलासा। केलाखेड़ा थाना पुलिस ने अंग्रेजी शराब के जखीरे को पकड़ने में की सफलता हासिल। रामनगर के चर्चित सुहेल हत्याकांड में फरार चल रहे दो और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रावण माह के चौथे सोमवार उमड़ा भक्तों का सैलाब। सड़क सुविधा न होने से वीरान पड़ गया बेलवाल गाँव का प्राथमिक विद्यालय। शिक्षा के लिए पलायन कर गए ग्रामीण। थाना अध्यक्ष द्वारा हाट ने ग्राम चौकीदारों की मीटिंग लेकर दिए गांव में सक्रिय रहने के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर क्षेत्र में जाम लगना एक आम बात बन चुकी है, जिससे अब तक निजात नहीं मिल पाई है। आज सावन के अंतिम सोमवार पर गिरिताल फाटक पर लगे जाम के कारण डाक कावर को जगह न मिलने पर कावरियों को अपना मार्ग बदलना पड़ा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। आप लोगों को करीब लाए। बीते रोज जसपुर मेन बाजार में एक कन्फेक्शनरी में दो चोरों ने लाखों की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। वहीं दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में दोनों चोर कैद हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच कर दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया और चोरी किए गए 1,37,000 रुपए भी चोरों से बरामद कर लिए। कि रात को जो जोगिंदर जी हैं बाजार में, ये कन्फेक्शनर हैं और इनके तीसरे माले पे जो शॉप है उसमें से गल्ले से कुछ इनकी चोरी हो गई थी और जिसके संबंध में इन्होंने सूचना दी। इस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें सीसीटीवी खंगाले और ऐसे चोरों को जो पहले से भी चोरी करते हैं आसपास में पूछताछ भी की, काफ़ी लोगों को राउंड अप किया तो इसमें एक व्यक्ति जो है उसमें थैला ले जाते हुए दिखाई दिया फुटेज में मार्केट में, तो फिर इसमें थोड़ा सा पहचान भी हो गई, फिर बाकी लोगों से भी पूछताछ की तो इसमें दो व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए, जो एक पंकज है और एक प्रदीप है और दोनों ही जोशियान मोहल्ला यहीं जसपुर के लोकल के रहने वाले हैं और दोनों ही नशेड़ी हैं। तो इनके द्वारा जो है वो थैला जो पैसा था जो चोरी की गई थी उसमें से एक तिमंजिले में चढ़ा और एक नीचे खड़ा था, इसमें बैग निकाल के जो गले से पैसा जितना भी था उसमें बैग में डाल के और दूसरे साथी को पकड़ाया और फिर ये अपने अपने घरों को चले गए और इन्होंने शायद फिर उसके बाद कहीं पार्क में, गांधी पार्क में ये प्राइमरी स्कूल के पास आपस में उसको पैसा बांट रहे थे। फिर इसमें इन्फॉर्मेशन भी मिली, तत्काल दोनों को जो है पकड़ भी लिया और इनसे बरामदगी भी हुई है। 1,37,324 रुपये के लगभग इनसे बरामदगी हुई है और ये दोनों नशेड़ी हैं और आदतन हैं ये, तो इस तरह से इस घटना का अनावरण हुआ है। केलाखेड़ा थाना पुलिस ने अंग्रेजी शराब के जखीरे को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने करीब 15 लाख रुपए की 230 पेटी अंग्रेजी शराब की तस्करी कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि केलाखेड़ा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने एक ट्रक को रोक उसमें से लगभग 15 लाख की शराब बरामद। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है, जबकि पुलिस ने शराब को कब्जे में ले लिया है। जिले में जो है ये अवैध जो नशा है, नशे के विरुद्ध जो है लगातार अभियान चलाया जा रहा है और हम लोग इसमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे किसी भी तरह का नशा हो उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे किए जा रहे हैं और आगे भी इसमें गैंगस्टर और बाकी अन्य धाराओं में भी लगातार कार्रवाई होंगी। इसी क्रम में कल 7 अगस्त की रात्रि को थानाध्यक्ष हमारे केलाखेड़ा श्री भुवन जोशी और इनकी टीम ने चेकिंग के दौरान 230 पेटी शराब को चेकिंग के दौरान पकड़ा है, जिसमें एक एलपी ट्रक है और दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और जिसमें 200 पेटी में मैकडॉल, 102 पेटी, 40 पेटी रॉयल स्टैग और
बाकी 8 PM की बाकी बोतलें हैं, उसमें कुछ पूरी बोतलें, कुछ हाफ हैं और कुछ क्वार्टर में हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 230 पेटी शराब की, जो कि बड़ी मात्रा है, बड़ा जखीरा है, ये बरामद हुआ है। संभवतः यहाँ से इसको कहीं और जगह शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि ये उस तरह का लाइसेंसी टाइप का है। हालांकि इन्होंने कोई परमिशन या कोई इस तरह से FL 2-5 का जो भी यहाँ स्टोर है उसका कोई परमिशन और कुछ नहीं है इनके पास। आबकारी इंस्पेक्टर का या आबकारी विभाग से भी कोई इनकी परमिशन नहीं है इसको कैरी करने की, ले जाने की। तो ये इलीगल तरह से इलीगल कैरी कर रहे थे अवैध रूप से, तो इसलिए इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, चालक फरार है और दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जो एक चंपावत का रहने वाला है और एक बाजपुर का लोकल का है। SP क्राइम जगदीश चंद ने रामनगर के चर्चित सुहेल हत्याकांड के फरार चल रहे दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। वहीं मामले में एक अन्य फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी करने का भी शीघ्र दावा किया है। आपको बता दें कि 2 अगस्त की रात नंदा लाइन निवासी सुहेल सिद्दीकी चोरपानी स्थित अपनी दुकान बंद कर बाइक से वापस घर आ रहा था। इसी बीच रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर उसकी हत्या करते हुए शव मुरादाबाद क्षेत्र के छजलैट इलाके में गन्ने के खेत में फेंक दिया। संवाददाता कैलाश सोहेल की रिपोर्ट। उसको हेलमेट के पास खुद कर दिया था और जो 13 सेकंड सुहेल हत्याकांड थाना रामनगर में आज 2 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम योगेश बिष्ट उर्फ यूवी बिष्ट और दिनेश टमटा हैं। दिनेश टमटा इसमें पहले से ही वांछित चल रहे थे और अब जो घटनाक्रम इसमें पता चला है, इसमें 2 के बजाय 4 अभियुक्तों का शामिल होना पता चला, जिसमें 3 अभियुक्त अब गिरफ्तार हो चुके हैं। एक अभियुक्त मन्नू नेपाली अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटनाक्रम में ये चारों लोग शामिल थे और घटना के दिन इसकी दुकान से 200 मीटर आगे इन्होंने अपनी कार खड़ी की थी और जब मोटरसाइकिल से मृतक सुहेल मूवमेंट जब उसने किया आगे को चला, तो पीछे से भरत ने दरवाज़ा खोला और उस दरवाजे से टकराकर सुहेल नीचे गिरा। उसके बाद इन्होंने रॉड से ताबड़तोड़ उस पर प्रहार किए, उसके मौके पर ही मृत्यु हो गई और उसके बाद इन्होंने सबको छजलैट थाना क्षेत्र में, जो कि मुरादाबाद ज़िले में पड़ता है, वहाँ खुर्द कर दिया। दिनेश टमटा उसकी मोटरसाइकिल को लेकर पीछे से गया, उसके बाद उन्होंने इस साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से अगले दिन अपनी जो कार इस्तेमाल की थी उसको साफ किया और कार संगार वाले के पास बाजपुर में उसकी सीट कवर और अन्य सामान चेंज किया, जिससे कि कार में कोई ट्रेसेस ना रहे। इस कार को इन्होंने लावारिस हालत में बैलपड़ाव क्षेत्र में खुर्द कर दिया। यहाँ पर भरत ने प्री प्लान के हिसाब से एक दूसरी कार खरीदी जो उसी रंग की थी और ऑल्टो कार थी और उसको पुलिस को बरामद किया कराया। इस घटनाक्रम में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और एक अभियुक्त मन्नू नेपाली फरार है। इसमें जो 2 गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई थी उनको बरामद कर लिया गया है, जो आला कतल इसमें इस्तेमाल हुआ था उसको बरामद कर लिया गया है और मृतक की जो मोटरसाइकिल जो कि छजलैट थाने में बंद थी उसको लेकर आया गया है। इन आज जो गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सावन के अंतिम सोमवार पर मोटेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त कतारबद्ध हो बाबा के दर्शन के लिए खड़े हैं। मुख्य पंडा अभिषेक नागर ने बताया कि आज सावन का आखिरी सोमवार होने के कारण मेला लगा हुआ है, जहां दूर दूर से भक्तगण दर्शन करने और जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन भी मेले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपस्थित है। ये जो है आखिरी सोमवार है, इस समय जो है भक्तों की जो है आस्था जो है पूरे जो है सर्वोच्च शिखर पर है। यहाँ पर 2 गेट हैं, एक पूर्व द्वार है, एक पश्चिम द्वार प्रवेश द्वार और एक जो है निकास द्वार है दक्षिण द्वार। पूर्व द्वार और पश्चिम द्वार दोनों दूर दूर तक लंबी लाइनें हैं, निकास द्वार से भी लोग एंट्री करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का भी हमने सहयोग किया है और ये हमें पहले से ही पूर्वानुमान था कि आज भीड़ ज़्यादा होगी, क्योंकि जो है आखिरी सोमवार में भीड़ होती ही होती है। यहाँ पर जो आसपास जो कॉलोनी है, इवन जो आपका ये बाजपुर है, गदरपुर है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। आस्था जो है सर्वोच्च शिखर पर है।
नहीं जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग ने जमराड़ी गांव से बेलवाल गांव तक 3 किलोमीटर सड़क को 2.7 किलोमीटर पर ही रोक दिया है। उनका कहना है कि सड़क को 3 किलोमीटर पूरा बनना चाहिए था ताकि आगे के गांव तक भी सड़क को पहुंचाया जा सके। वहीं दूसरी ओर विभाग का कहना है कि बेलवाल गांव के एक ग्रामीण द्वारा आपत्ति जताए जाने की वजह से सड़क का काम रोका गया है। भनल गाँव व बबुरिया नायल के ग्रामीणों का कहना है कि सड़क से उनके गाँव को भी जोड़ा जाए। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि इस तरह की बाधा के लिए प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि इस परेशानी के चलते बच्चे विद्यालय तक नहीं जा पाते। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जागेश्वर धाम में श्रावण माह के 14 सोमवार को जागनाथ मंदिर मृत्युंजय मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की सुबह से ही लंबी कतारें लगी है। जागेश्वर धाम के प्रधान पुजारी हेमंत भट्ट ने बताया कि कोविड काल के लंबे अंतराल के बाद शिव दर्शन को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के भक्त भी पहुंच रहे हैं। वृत जागेश्वर धाम में भी जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। राजेंद्र सिंह बिश द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम चौकीदारों की थाने में मीटिंग आयोजित की गई एवं गांव में अपने कर्तव्यों के प्रतिक्रियाशील रहने तथा गांव में घटित होने वाली समस्त छोटी बड़ी घटनाओं की सूचना तत्काल थाना पुलिस को देने के निर्देश दिए गए तथा गांव में चल रहे समस्त प्रकार के आपसी रंजिश एवं विवादों की सूचना भी समय से थाना पुलिस को देने के निर्देश दिए गए। ठीक है, मुझे पब्लिक के थ्रू या पीड़ित पक्ष के थ्रू हमें शिकायत मिलती है, इसका मतलब यह है कि आप सक्रिय नहीं है, आपको जानकारी नहीं है गांव की। इसके अलावा बार बार बताया जा रहा है गांव में जो भी विवाद गांव में चल रहे हैं, ठीक है नहीं, उसकी सूचना आप पहले से पुलिस को दे दीजिए कि साहब इनका ये लफड़ा चल रहा, काफी दिन से झगड़ा होता रहता है। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागिला न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।